आज देश ही नहीं बल्कि सारा संसार कोविड-19 नामक महामारी से गुजर रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार द्वारा दिए मंत्र जान भी तथा जहान भी को साकार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु निर्गत दिशा निर्देशों का कार्यस्थल पर पूर्ण पालन करते हुए एवं औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी के मार्गदर्शन में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के कार्यों को पुनः प्रारंभ कराया गया है, जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल के समीप ही श्रमिकों के लिए शेल्टर होम भी बनाया गया है और श्रमिकों का नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराया जाता है। कैंप से श्रमिकों को सैनिटाइज्ड बस द्वारा कार्यस्थल पर लाया जाता है। कार्यस्थल पर लाने से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग कर श्रमिकों के शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके पश्चात ही श्रमिकों को सैनिटाइजेशन हब में सैनिटाइज कराकर कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाया जाता है और साथ ही फेस मास्क, सेफ्टी जैकेट, हेलमेट इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों को पुनः सैनिटाइज कर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य को संपादित कराया जाता है। कार्य समाप्ति के पश्चात कैंप आने पर श्रमिकों का पुनः थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजेशन किया जाता है। इस प्रकार कोविड-19 महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत समग्र दिशा निर्देशों का पालन कर विकास एवं अर्थव्यवस्था को गति दी जा रही है। साथ ही श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।